हाँ जी, अभी तो जा रहा हूँ गुरुद्वारे श्रीमती सुरिंदर गुहरा के लिए कुछ वीडियो करना है। और कल सुबह 5 बजे से उठा और 3 बजे आज सुबह लौटा, तो समझिए 22 घंटों में 6 घंटे बस में, फिर 6 घंटे लौटने बस में, घंटा भर पैदल चला और 6 घंटे या 7 घंटे प्रेस एनक्लेव में जो वेम्बली स्टेडियम है उसमें बैठा। मुझे जो भी शक था नरेंद्र मोदी के विषय में, सांप्रदायिकता और वगैरह वगैरह नॉनसेंस जो सुनते आ रहा हूँ, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जो सबसे ज्यादा बेईमानी करते हैं भारत में और विदेशों में, जो सबसे ज्यादा रेसिस्ट हैं, जो सबसे ज्यादा क्रूर हैं, उनके तरफ गोधरा पर उंगली उठा रहे हैं। जैसे कि भारत में गोधरा के पहले कुछ हुआ ही नहीं था, हमारे देश में मारकाट चलता आ रहा है सिकंदर के टाइम से, और हाल हाल कांग्रेसियों के टाइम में बहुत मारकाट हुआ। तो मेन चीज हमने सीखा कल कि एक इमरान खान है इंडिया में, राजस्थान में, उसने कोई एप्स बनाया है और फ्री बांटा, ये नरेंद्र मोदी के स्पीच में है। सो ऑल दिस इस्लामोफोबिक टॉक अबाउट हिम इज रॉन्ग, वो मैं काट करके आपको डालूंगा। प्रेस एनक्लेव में था तो मेरे पास टेलीविजन के पूरे सारे आसार हैं मेरे पास, आपको दिखाऊंगा। दूसरा, सबसे तकलीफ लोगों को है कि भारतीय होके, हिंदू होकर के, हिंदी में बोलते हुए, कुर्ता पहन करके ये कैसे खड़ा होता है। तो देखिए कमाल कि अमेरिका में उसने दिवाली मनवा दिया इनके थ्रू, अपने ओबामा साहब जो कि कुर्ता पजामा पहने हैं। वहाँ कनाडा में जो वहाँ का राष्ट्रपति है वो जाकर के लंगर खा रहा है गुरुद्वारे में कुर्ता पजामा पहन करके। और डेविड कैमरन, जिसको हमने सुना बिल्कुल 200 गज की दूरी से, वो इनकी तारीफ कर रहे थे और कहते थे अच्छा दिन आने वाला है। देखिए सब कोशिश कर रहे हैं, पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में इन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिला। चलिए वेम्बली की बात छोड़ें, वहां तो हम सारे हिंदुस्तानी थे, इनकी तारीफ करेंगे ही क्योंकि हम इंडियन हैं, हिंदू हैं, नॉट बिकॉज ही इज अ फैंटास्टिक गाय। हम सब जितने लोग नैरो माइंडेड होते हैं हमें उसी नजर से ही देखते हैं। तो कल हमने देखा कि साड़ी पहन करके इनकी पत्नी, कैमरन की पत्नी आई हुई थी, और कल हमने देखा YouTube पर, हमने आंख से नहीं देखा बिल्कुल अपने से, कि गांधी जी के कदमों को मोदी जी तो किया ही नहीं नमस्कार, बट कैमरन ने भी किया। बाकी बातें छोड़ दीजिए, अगर मोदी के वजह से मुझे भारतीय होने का, हिंदू होने का कुछ गौरव प्राप्त है, कुछ मुझे में एक शान आ रही है, तो मैं तो उसके लिए जान देने को तैयार हूं। बाकी छोड़िए, वो तरक्की करा रहा, ये करा रहा, वो करा रहा है, क्योंकि भारत में जो मानसिक गुलामी है अभी तक, ये जो एडवीना के साथ नेहरू जी की इश्क मोहब्बत चलती थी, और ये गोरा गोरा टाइप का नेहरू जी जो है, और उसके बाद इंदिरा गांधी बाल कटा के गोरी जैसा घूमता था, और उसके बाद राजीव ने एक इटालियन गोरी से शादी किया, उसका बच्चा आधा अंग्रेज, और उसका पोता बिल्कुल लॉस्ट कॉज है राहुल गांधी, इसके वजह से भारत के इमेज पर बहुत धक्का लगता है। भारतीय लोग विदेश में जाके क्या अनाप शनाप बकते हैं, मैं तो होता तो जूता खोल के मुंह पे मारता उन्हें। लेकिन खैर ज्यादा बहस नहीं जाना चाहिए, इतना ही कहना है कि मोदी जी इज हियर टू स्टे, वेदर यू लाइक इट और नॉट, सो यू बेटर स्टार्ट लाइकिंग इट, बिकॉज ही इज नॉट अ गुजराती लीडर, ही इज नॉट अ हिंदू लीडर, ही इज नॉट एन इंडियन लीडर, ही इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडर्स, एंड आई रिस्पेक्ट हिम एज मच एज आई रिस्पेक्ट प्यूटिन, जो कि जो कहता है सो करता है। ओबामा बेचारा वो बैंकों के चक्कर में फंसा हुआ है, इज नॉट अ बैड गाय। कैमरन क्या करे बेचारा, अमीरों के घर में पैदा हुआ तो लोग को उससे तकलीफ होती है, ईटन में पढ़ा, बड़े शर्म की बात है। और किसकी तारीफ करें, चाइना के तो खैर जिंदाबाद, वहां पर तो ह्यूमन राइट्स है ही नहीं। तो सब ले दे करके दुनिया में अगर कोई लीडर है तो वो मेरा मोदी है।